गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम नेहा शर्मा एंड हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, फ्रॉम हंटर्स गैदरर्स टू फार फार्मर्स. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो अर्ली मैंस थे वो नोमेड बने थे, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे. ठीक है, जहां पर भी हर्बीवोरस एनिमल्स जाते थे वो भी उनके पीछे पीछे जाते थे. ठीक है, अब देखिए हम आगे यहां से पढ़ते हैं. आज है 14th of July, अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज पेज नंबर 13. इन दिस एरा ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स एंड स्मॉल प्रिमिटिव हट्स. प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी, ओल्ड, एंशंट. ठीक है, पुरानी हट्स में रहते थे जो कि ट्विग्स से, ट्विग्स मतलब जो टहनी होती है छोटी छोटी पेड़ों की, वो लॉग्स, लॉग्स मतलब बड़े बड़े जो तने होते हैं ना पेड़ों के, काट काट करके गोल गोल, वो तने. एनिमल स्किन, वो तो आपको पता ही है. दे स्टिच्ड ट्री बार्क्स एंड एनिमल स्किन्स टू मेक क्लोथ्स. ठीक है, कपड़े बनाने के लिए वो इन चीजों का यूज करते थे. दे ऑल्सो यूज अ वेराइटी ऑफ टूल्स मेड ऑफ स्टोन, स्टिक्स एंड बोन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, टू हंट एनिमल्स फॉर फूड एंड टू चॉप ट्रीज एक्सेट्रा. ठीक है, उन्होंने पत्थरों से क्या क्या किया, उनको तीखा कर करके. ठीक है, और उनके ना वेपन्स उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए. सॉरी, नॉट वेपन्स, इट इज टूल्स. ठीक है, उससे वो उसके बाद में उन टूल्स को लंबी लंबी लकड़ियों पे ऐसे लगा करके. ठीक है, जैसे ये है, देखो ये तीखे तीखे है, और अगर कुछ तीखे नहीं होते थे तो तीखे कर लेते थे उसको. ठीक है, और थोड़ा तीखा करके इनको यूज करते थे एज अ वेपन्स. ठीक है, जिससे वो अपने आप को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके या फिर अपना फूड बनाने के लिए उनको मार सके, हंट कर सके. नाउ स्टोन टूल्स. मोस्ट मेजर टूल्स यूज बाय अर्ली ह्यूमंस वर मेड अप ऑफ स्टोन, विच वॉज द ओनली ईजी अवेलेबल मटीरियल इन नेचर. स्टोन वॉज सो हार्ड एंड कुड बी शेप्ड इन टू वेरियस साइजेस एंड शार्पन्ड विद एजेस एंड पॉइंट्स टू पेनिट्रेट, कट एंड सॉ. नाउ वॉट हैपन्स, दे डिडंट हैव एनी मेटल्स एट दैट टाइम, एंड मेटल्स वर नॉट डिस्कवर्ड ऑल्सो. सो वॉट हैपन्ड दैट दे यूज स्टोन्स, दे यूज स्टोन्स एंड दे वट दे यूज टू शार्पन दैम. ओके, दे शार्पन द टूल्स एंड दे यूज दोज टूल्स टू किल वाइल्ड एनिमल्स एंड टू सेव देमसेल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. एंड ऑल्सो दैट की द स्टोन वॉज हार्ड इन स्ट्रक्चर एंड शेप. ठीक है, तो उनके एजेस बनाने में, मतलब तीखा तीखा बनाने में बहुत ईजी होता था. दैट्स वाई. एंड दे आर वेरी ईजी टू पेनिट्रेट. पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी में घुस जाना. ठीक है, पेनिट्रेट कर लेना. कट एंड सॉ. सॉ क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे अपन ये आरी होती है सॉ. ठीक है, वो द वाइड यूज ऑफ स्टोन इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री प्रॉम्प्टेड हिस्टोरियंस टू नेम दिस पीरियड द स्टोन एज. वाई दिस वॉज कॉल्ड एज अ स्टोन एज, बिकॉज दिस इन दिस एज दे ओनली यूज द टूल्स मेड अप फ्रॉम स्टोन्स. दैट्स वाई. स्टोन टूल्स वर ऑल्सो यूजफुल एंड वेरी इफेक्टिव इन एनिमल हंटिंग, कटिंग मीट, चॉपिंग ट्रीज, स्क्रैपिंग एनिमल स्किन्स एंड टी बार्क्स एंड टू शेप अदर टूल्स फ्रॉम द बोन्स एंड स्टिक्स. नाउ दे यूज स्टोन टूल्स इन वेरियस अदर वर्क्स ऑल्सो, टू हंट एनिमल्स, टू कट डाउन देयर मीट आफ्टर हंटिंग देम, टू चॉप द ट्रीज. बहुत टाइम लगता था इसमें क्योंकि ज्यादा तीखा नहीं हो पाता था, मेहनत बहुत लगती थी. स्टिल स्क्रैपिंग द एनिमल स्किन, मान लो जैसे उन्होंने किसी एनिमल को मार दिया, अब उसकी स्किन निकाल लेंगे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू वियर इट. ठीक है, एंड ट्री बार्क्स एंड टू शेप अदर टूल्स, दूसरे टूल्स को भी शेप करने में वो हेल्प करता है. दीज टूल्स वर ऑल्सो यूज टू कट डाउन कट वुड एंड क्लियर फॉरेस्ट. अब कहीं जगह पर उनको रहने के लिए या फिर उनको फार्मिंग के लिए जगह चाहिए होती थी, तो उनको जो फॉरेस्ट थे उनको काटना होता था. सो टू कट देम दे यूज स्टोन्स. द टिम्बर वॉज देन यूज एज फायरवुड. जो टिम्बर का मतलब क्या होता है, जो भी हम पेड़ काट करके जो लकड़ी निकालते हैं उसको टिम्बर बोलते हैं. यूज एज फायरवुड होता था वो, मतलब कि उसको एज अ फायरवुड वो यूज करते थे, जलाने के काम आता था. एंड टू मेक इम्प्लीमेंट्स एंड हट्स.
हट्स बनाने के वो काम आती थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड प्री हिस्टोरिक स्टोन इंटू थ्री मेन कैटेगरीज। अब तीन कैटेगरी में उन्होंने प्री हिस्टोरिक स्टोन एज को या स्टोन टूल्स को डिवाइड किया हुआ। पहला था कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। कोर टूल्स क्या होते थे? दीज वर पाम साइज। पाम साइज मतलब जैसे मेरी हथेली है उसके जितने है, उसको पाम बोलते हैं। पाम साइज होते थे मतलब हैंड में रख के यूज करने वाले छोटे। दैट वर यूज टू पाउंडिंग, स्मैशिंग एंड थ्रोइंग। ठीक है, पाउंडिंग मतलब पकड़ के मारने के काम आता था पाउंड में। स्मैशिंग जोर जोर से किसी को स्मैश कर देना। थ्रोइंग मतलब फेंक के मारना। ऑल लेटर टूल्स इमर्ज फ्रॉम कोर टूल्स। ये सब जो थे टूल्स वो कोर टूल्स से निकल के आते। फ्लेक टूल्स, दीज वर डेवलप्ड बाय चिपिंग कोर टूल्स। अब इन कोर टूल्स को जो ऑलरेडी वहां पर थे उनको चिपिंग करके मतलब उनको तराश करके उनको और कट कर करके एंड वर यूज टू स्क्रैपिंग एंड स्लिटिंग। स्क्रैपिंग मतलब स्किन निकालने के लिए, बारीक काम करने के लिए काम आता था। विद टाइम न्यू टेक्निक्स वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्लेक टूल्स। धीरे धीरे उन्होंने नई टेक्निक से भी फ्लेक टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। ब्लेड टूल्स, दीज वर अर्ली फॉर्म्स ऑफ नाइफ्स दैट वी यूज टूडे। ठीक है, जो हम कांच जो चाकू हम यूज करते हैं ना, देखो ये कोर टूल्स ही है। ये ऑलरेडी आपको नेचर में ऐसे कई पत्थर मिल जाएंगे जिसको डायरेक्टली यूज कर लेते थे। फिर ये देखो फ्लेक टूल्स, देखिए ऐसे होते थे। फिर ये है ब्लेड टूल्स। ब्लेड से आपको पता चल जाएगा बहुत शार्पन होते थे ये। ठीक है, दीज टूल्स ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टूल्स सच एज एरो हेड्स, स्पीयर्स एंड नाइव्स। स्पीयर्स भी ऐसे ही होते, देखो ऐसे होते थे स्पीयर्स, बिल्कुल एकदम तीखे पॉइंटेड। Do you still have any stone tools at home today? Which are these and what are they used for? आपके पास है कोई जो स्टोन से हो, स्टोन से बने हुए हों? अगर हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।